जहां स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है, जब बाबा साहब के लिए बोले थे वीर सावरकर। ये किसी से छुपा नहीं है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया, वो भारत के पहले कानून मंत्री रहे, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि उन्होंने वो हिंदू धर्म के कुछ रीतियों को लेकर बहुत चिढ़ते थे और उन्हें और आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और वही अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में और हिंदुत्व की लड़ाई में काला पानी की सजा काट के आए हुए विनायक दामोदर सावरकर, या जिन्हें हम स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने बी आर अम्बेडकर के लिए कहा था कि तुम्हें कोई बौद्ध धर्म से प्रेम नहीं है कि तुम बौद्ध धर्म को अपना रहे हो, अपने लाखों अनुयायियों के लिए कि तुम बौद्ध धर्म में तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम्हारे लिए बौद्ध धर्म के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तुम केवल हिंदुओं के प्रति घृणा को अपना दर्शाने के लिए जो है तुम बौद्ध धर्म को अपना रहे हो। ऐसा विनायक दामोदर सावरकर ने क्यों कहा? संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरी राजनीति हिंदू दक्षिणपंथ के खिलाफ थे। वह हिंदू धर्म की कुरीतियों के कड़े विरोधी थे। जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव, अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। बाद में वह धर्म बदलकर बौद्ध हो गए थे। धर्मांतरण के दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उन प्रतिज्ञाओं में से कुछ इस प्रकार हैं, जहाँ बी आर अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनमें कोई मैं आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं पर आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। तो अपनी प्रतिज्ञाओं में उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके मौजूदा हिंदू दक्षिणपंथी दल अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। हिंदू दक्षिणपंथ के पुराने अगुआ विनायक दामोदर सावरकर खुलेआम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आलोचना करते थे। और अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। उनका मानना यह था कि मनुस्मृति ही जातिवाद का प्रमुख कारण है। इसी कारण जो है सभी जो जातिवाद में बटे हुए हैं और इसी कारण जो है अंधविश्वास फैला हुआ है। तो अम्बेडकर जो है हिंदू समाज को, हिंदू मनुस्मृति को और हिंदू लेखों को ही इस सब का कारण मानता था। वही बात है जो अम्बेडकर चाचा को पता नहीं था कि जो है विदेशी फिलोसफी को पढ़ के सब कुछ जानने वाले, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग जो है सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। उन्हें मनुस्मृति को लेकर इतनी गलत फहमियाँ थी कि वो हिंदू समाज के सबसे बड़े कमी के रूप में मनुस्मृति को ही देखते थे। वो यही समझते थे कि जातिवाद का कारण मनुस्मृति है, जबकि उन चाचा को ये तक पता नहीं था कि अंग्रेज़ों द्वारा ही कुछ समय पहले ही कास्ट सिस्टम को बनाया गया था, क्योंकि भारतीय समाज कभी भी कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद पर आधारित था ही नहीं। भारत का समाज जो है वो वर्ण के आधार पर जो है उसका विस्तार हुआ था, उस पर जो है वर्ण के आधार पर भारतीय समाज चलता था, ना कि जो है ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो कास्ट सिस्टम जिसको जातिवाद कहा जाता है आज, उसके आधार पर। तो इसी का कारण जो है बी आर अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को माना और उसी को जो है जला दिया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और उसी कुछ हिंदू अपने आप को कहने वाले लोग जो है बी आर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, जबकि आप देख लीजिए इन्होंने संविधान में कितने सारी छेड़छाड़ करके हमारे संविधान को आज बर्बाद करके रख दिया है। अपने ही देश को, अपने ही धर्म को गाली देने वाले लोगों को जो है देश सर पर बिठा के रखा हुआ है। इसी कारण से जो आज देश इतना पिछड़ा हुआ है। अम्बेडकर जैसे ऐसे घटिया सोच रखने वालों को जो है आज हम अपना जो है कानून मंत्री मानते हैं, आज उन्हें हम बाबा साहब कहते हैं। असल बात यही कि स्वामी विवेकानंद जो है अम्बेडकर के समय पर नहीं थे, वरना जो है अम्बेडकर को सही रास्ता वो अवश्य दिखाते, क्योंकि आज के समय में भी जो है विदेशी शिक्षा को ग्रहण करके जो विदेशों की जो फिलोसॉफी है, इंग्लिश जो फिलोसॉफी, उसको पढ़ के अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझने वाले सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। क्योंकि वेदांत वेद जो है जहाँ ये सब फिलोसॉफी ख़त्म होता है, जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है भौतिकवाद है, ये जहाँ ख़त्म होते वहीं से तो हमारा आध्यात्मिक जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो प्रारंभ होता है। सावरकर समग्र के खंड 7 में सावरकर के एक लेख का शीर्षक है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर तुम असहाय हो जाओगे। इसी लेख में सावरकर ने लिखा है, अतः डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को कोई तरह का सूतक नहीं लगने वाला है, न हर्ष न विमर्श। जहां वो स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब सावरकर काला पानी और उसके बाद में सावरकर की एक टिप्पणी का जिक्र करते हैं। साल 1956 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद सावरकर 30 अक्टूबर 1956 को केसरी में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कुछ लाख अनुयायियों के साथ संप्रदाय बदल लिया है और वे चाहे तो धर्मांतरण करें, बौद्ध धर्म के लिए उनके मन में कोई प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है।
इसलिए उन्होंने नहीं किया। उनके मन के अंधेरी कूप में एक हिंदू राष्ट्रघाती महत्वाकांक्षा छिपी बैठी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि वीर सावरकर यह कहना चाहते हैं कि वो बौद्ध धर्म से प्रेम करते, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया नहीं अपने लाखों अनुयायियों के साथ, बल्कि उनके मन में जो हिंदुओं के प्रति जो घृणा है, हिंदू धर्म के प्रति जो घृणा है, उनके मन में जो हिंदू घाती महत्वाकांक्षा है, उसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और यही कहना चाहते थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर की हिंदू राष्ट्र निर्माण के प्रति जो उनकी भावना थी, जो उन्होंने जो संघर्ष किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि उन्हें जो है आज़ादी का श्रेय कभी नहीं दिया जाता था। अभी कुछ वर्षों पहले ही उन्हें आज़ादी का श्रेय दिया जाने लगा है, वरना उससे पहले तो उनका नाम भी कोई नहीं जानता था। लेकिन हिंदू राष्ट्र के निर्माण और हिंदुओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वीर सावरकर ने जो कार्य किया वो किसी से छुपा नहीं है। वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो हिंदुओं के प्रति जो घृणा थी, जो जातिवाद के जो भावना थी उसके प्रति जो घृणा थी, वो भी किसी से छुपी नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर और अम्बेडकर दोनों का मत अलग अलग था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस जातिवाद के विरोधी थे, और उन्होंने जातिवाद के लिए आरक्षण भी बनाया। लेकिन होता क्या है, हिंदुओं ने संविधान में आरक्षण का निर्माण करके सबसे बड़ी जातिवाद की भावना तो उन्होंने ही पैदा कर दी, और वो स्वयं बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो यह कौन सा इनका न्याय था जिसके कारण उन्होंने हिंदुओं को ही आपस में आरक्षण करके बांट दिया, और साथ ही साथ स्वयं अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध भिक्षु बन गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह मानना था कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म बहुत अलग है, और बौद्ध भिक्षु बन के वो ये कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश किसी को नहीं मानूंगा, और वो ये भी मानने से इनकार कर देते हैं कि भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। तो सबसे पहली बात ये अपने आप में मूर्खता है कि जिस सनातन धर्म से बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्म निकले हैं, जिस भारत भूमि से जो धर्म निकले हैं, ये हिंदू धर्म से कोई अलग नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इसी कारण से दामोदर वीर सावरकर लिखते हैं कि अगर बौद्ध धर्म अगर वो अपना लिए तो उनके हाथ बन जाएंगे, क्योंकि उनको हिंसा करने की छूट नहीं मिलेगी, वो अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। और इसी कारण से कहा जाता है हिंदू धर्म में अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा, मतलब आपको अहिंसा परम सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर आपको धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी पड़े तो ये उससे भी बड़ा धर्म है। इसीलिए दामोदर वीर सावरकर लिखते हैं कि जब बी आर अम्बेडकर जो है बौद्ध धर्म को अपना लेंगे तो उनके हाथ बन जाएंगे। तो आप में इसके बारे में क्या कहना है, क्या आप विनायक दामोदर सावरकर से सहमत है, क्या आप बी आर अम्बेडकर से सहमत है, क्या आप आरक्षण को मानते हैं, आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।